नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इतना सोना हो कि वह अपने सारे शौक पूरे कर सके, लेकिन इतना सोना हर किसी के नसीब में नहीं होता। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कई जगह ऐसी भी है जहाँ इतना सोना पड़ा है कि एक व्यक्ति क्या उसकी 10 पीढ़ियाँ भी आराम से अपने शौक पूरे कर सकती है। आज हम ऐसी 3 जगहों के बारे में बात करेंगे जहां करोड़ों नहीं बल्कि खरबों अरबों का सोना रखा हुआ है। जयगढ़ आमेर। महाराजा मानसिंह आमेर के राजपूत राजा थे जो बाद में अकबर की सेना के प्रधान सेनापति बने। कहा जाता है कि मानसिंह द्वारा जयगढ़ के किले में युद्ध से जीता हुआ खजाना छुपाया गया था, पर उस जगह का आज तक पता नहीं लग पाया। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के तहखानों में अरबों खरबों का खजाना गड़ा है। हालांकि इस विषय में आज तक कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं आया है कि क्या सच में खजाना गड़ा हुआ है। मगध। मगध पर पहले बिंबिसार का शासन था। अपने शासन काल के दौरान बिंबिसार ने धन संपदा को बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन आगे चलकर उसके ही पुत्र अजात शत्रु ने सत्ता के लालच में आकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। कहा जाता है कि आज भी बिहार के राजगीर में बिंबिसार का गुप्त खजाना छिपा हुआ है। खजाना होने का संकेत यहाँ स्थित 2 गुफाओं में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पुरानी लिपि में कुछ लिखा हुआ है जिसे पढ़ा नहीं गया है। कई लोगों का मानना है कि यह खजाने के ही संकेत हो सकते हैं। गोलकुंडा। गोलकुंडा दक्षिण भारत का एक प्राचीन टूटा फूटा किला है। यह किला हैदराबाद से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दुर्ग किसी जमाने में अपने बेशकीमती खजानों के लिए जाना जाता था। 17वीं शताब्दी के दौरान यहाँ हीरे जवाहरातों का बाजार भी लगता था। यहाँ कभी हीरे की खानें भी हुआ करती थी जहाँ से कई बेशकीमती हीरे निकाले गए हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे खूबसूरत हीरा कोहिनूर गोलकुंडा की खान से ही निकाला गया था। इस किले पर कई बार आक्रमण हो चुके हैं जिस वजह से यहाँ की खानों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा। फिर भी माना जाता है कि यहाँ आज भी खजानों का भंडार निकाला जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तुरंत देख लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।